दुर्ग जिले में गर्मी चरम पर है। गर्मी का मौसम आते ही पानी को लेकर दुर्ग जिले में हाहाकार मचा है। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं और जिला प्रशासन के ऊपर जनता का पारा बढ़ रहा है। भिलाई में बीजेपी पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में पानी को लेकर जमकर हल्ला बोल किया गया, जिसमें वार्ड के सैकड़ों लोगों ने भिलाई नगर निगम के जोन कार्यालय 4 का घेराव कर आयुक्त को समस्याएं बताई। वहीं वार्डवासियों ने पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। वार्डों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। इनका मुख्य मांग यह है कि सेकंड टाइम भी नल सप्लाई किया जाए। नगर निगम द्वारा वर्तमान में एक टाइम सुबह पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो कभी कभी सभी वार्डों में पानी तो पर्याप्त पहुँच रहा है। नहीं, उनका डिमांड है कि दोनों टाइम पानी आ जाए, तो उसके लिए अभी आगे जो प्लानिंग कर रहे हैं। पानी साफ है कुछ एरिया में, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे कुछ हैंड पंप के हैं जो वो पॉल्यूटेड वाटर है, उसके संबंध में कम लेते हैं। देख रहे हैं कि किस तरह का खुर्ची पार्क के अंदर में किस तरह का माहौल है, लोग पानी को लेकर काफ़ी परेशान है। वार्ड 44 ही नहीं बल्कि खुर्सी पार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने पूरे भिलाई पार्षदगण जितने हैं सबके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और पानी के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। देख रहे हैं लोग दो दो दिन से नहीं, आज यहाँ पर क्या बोलते हैं, कपड़ा आके धो रही हैं हमारी माताएँ बहनें।